थाना हरिपुर क्षेत्र के मैदान में 2 फुट की गुमटी में बने मंदिर के विवाद ने फिर तूल पकड़ दिया है। पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते दबंगों ने मां बेटे के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है। पीड़ित परिवार समस्या को लेकर आला अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। थाना हरिपुर क्षेत्र के माईथान में 2 फुट की गुमटी में बने मंदिर के विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते दबंगों ने मां बेटे के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि दबंग पड़ोसी काफी दिन से उन्हें परेशान कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार आला अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की जा चुकी है, इसके बाद भी स्थानीय पुलिस दबंगों पर मेहरबान है, जिसके चलते दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। कुछ रहने वाले लोग जो पहले भी हमें काफी टाइम से परेशान कर रहे हैं, मतलब आते किसी न किसी बहाने हमें परेशान करते हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज भी ये लोग 4-5 लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, एक आदमी ये मंदिर में हाथ डालने लगा सफाई का बहाना, जबकि मंदिर बंद है, प्रशासन पे चाबी है उसकी, ठीक है। तो हमने इससे कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ चुपचाप मम्मी वीडियो बना रही थी, तो आगे मोबाइल छीन करके और फिर 2-4 लोग कमेंट उल्टा सीधा बदतमीजी करने लगा जैसे वीडियो बनाने लगे, और जबकि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और वहाँ पे बदतमीजी करने लगा, फिर मोबाइल छीन करके मोबाइल छीना और फिर ईंट पत्थर मार कर फिर भाग गया, और अपने बोला जो हमारा मोबाइल था वो इसने चौकी में जाके खुद दिया है, और कह रहा कि मुझे मारा, उल्टा उल्टा जाके खुद भागा है वहाँ। किस बात को लेकर मारपीट हुई, कितने लोग थे ये टोटल? ये कम से कम 4-5 लोग, 3-4 तो भाई हैं। क्या क्या नाम है? ये मुरारी और इसका भाई नब्बो है, एक और ये जितेंद्र वगैरह और इसके 2 लड़के दीपक सागर वगैरह। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट।